अस्सलाम वालेकुम माय यूरोप फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूरोप चैनल। और काफी दिनों के बाद कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे पता है कि काफी दिनों बाद व्लॉग आ रहे हैं। मैं मम्मी के घर 3 दिन के लिए गई हुई थी रुकने के लिए। फिर कल रात में जब मैं आई तो मैंने कहा यार आज मुझे व्लॉग बनाना है। खैर व्लॉग आप लोग के पास कल आएगा। आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया। भाई मैंने तो अगर सच बताऊं तो मैं सच में डेली मिस कर रही थी कि व्लॉग, और आप सब लोग को कह रही थी। मैंने कहा बातें करने का मौका ही नहीं मिलता, तो मैंने कहा आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आप सब लोग को बहुत मिस किया, आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा हाँ, व्लॉग हम ये तो बताने मुझे कि व्लॉग क्या था। अभी हम सब लोग, अब्बू मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, बस मैं रेडी हूँ। हम लोग जा रहे हैं वंडरलैंड और लकी वन, सब बच्चा पार्टी सब लोग, क्योंकि वेकेशन है तो सब कजन्स वगैरह सब लोग आए हुए हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं लकी वन मॉल और वंडरलैंड, बच्चों को ज़रा घुमाते फिराते हैं। तो बस अभी हम निकलते हैं, अब्बू मुझे लेने के लिए आ गए हैं। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, हम लोग जा रहे हैं और अब्बू मुझे लेने के लिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग आ गए। खोलो आप बैठो शायद, अब्बू आ गए लेने के लिए। खोलो ये देखिए, शीशा खोलो बेटा एक मिनट, खोलो ये देखिए आप सब बच्चे आ गए। और ये हेलो यार, कैसे हो, ठीक हो? ये देखिए हम सब लोग बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोटू पतलू छोटू मोटू सब लोग आए हुए, गाड़ी फुल लोडेड हुई है। आप इधर आगे बैठो। ये अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अब्बू भी आ गए। चले अब हम चलते। आप सोच रहे हो कि आप लोग हम लोग कहाँ जाए, तो जहाँ पे हम लोग जहाँ पे गए थे के लिए आए थे। उसके बाद अब्बू को किसी काम से जाना था, अब्बू ने मुझे पिक किया घर से। और उसके बाद अब्बू ने कहा सुम्बुल आप ड्राइव करके ले जाओ लकी वन, क्योंकि अब्बू को शायद किसी काम से जाना था। तो बस अभी ऑल द वे मैं जा रही हूँ लकी वन, सबको हमने पिक कर लिया। और अब्बू को मैंने घर पर उतार दिया क्योंकि अब्बू की शायद कोई मीटिंग थी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और आप सबसे हम लोग लकी वन में मिलते हैं। तो आज हैं, वैसे मुझे अब्बू गाड़ी देते नहीं लेकिन आज दे दी चलाने के लिए, क्योंकि अब्बू को जाना था काम से इस वजह से। और ये देखिए मौसम कितना प्यारा। बस हम लोग पहुंच गए हैं और अभी मैं गाड़ी पार्क कर रही हूँ और जाएंगे और बच्चों के साथ फुल एंजॉय करेंगे। गाड़ी मैंने वैले में दी है क्योंकि पार्किंग फिर जो है ना गाड़ी मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। और चले आ जाए, मैं आप लोग को बच्चों से मिलवाती हूँ। सारे बच्चे और हम, मुझे लग रहा है कि हम लोग वंडरलैंड नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतना रश हुआ हुआ है ना वेकेशन की वजह से। लग रहा है कि हम जाएंगे अंदर, चले जाएंगे? नहीं मुझे नहीं लग रहा, नहीं जाएंगे हम लोग, वापसी घर जाएंगे। कोशिश करेंगे। और अगर फिर नहीं गए तो फिर रोगे तुम लोग? पीछे सारे बच्चे बच्चे सब आ रहे हैं, रोगे? कौन कौन रोएगा? और बोल तो खुश हो
ओवर हो गया अभी न्यू स्टार्ट। बस बस राइड्स हम लोगों ने ले ली थी और अब मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर पर। मजा आया भाई बहुत ज्यादा। यहाँ पर आओ ना, आप कहाँ जा रहे हो? इतना मजा आया, बहुत ज्यादा फुल एंजॉय किया। अब हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो अभी मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए और देखते हैं क्या खाते हैं। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि हम लोग चाय परांठा खाएं। हाँ भाई, बच्चा बाटी क्या बोलते हो? चाय परांठा पक्का? हाँ शराइल, क्या खाओगे? मैं अभी कैफसी खाऊंगी। चाय परांठा, सब बच्चे आ रहे हैं। अब हम गाड़ी में चलते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या खाएंगे। सब हम लोग घर पे जा रहे हैं और सब लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और ठीक है, अब हम जा रहे हैं घर पर और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पार्क की थी तो गाड़ी ढूंढने में आधा घंटा हो गया था बस। अब गाड़ी जैसी आ रही तो हम लोग चलते हैं। आ गई है शायद, नहीं अभी नहीं। चलें, हमारी गाड़ी आ गई है। लेट्स गो। गाड़ी आ गई है हमारी और चलें। थैंक यू। बैठ गए सब लोग?
अब हम जाएंगे कुछ खाने के लिए। मजा आया भाई सबको? अच्छा बैठ रहे हैं अभी सब, डिसाइड हो गया कि हम लोग चाय पराठा खा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं घर पर। ये जब इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जिन्होंने सीरियसली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके मेरी तबीयत का पूछा। मैसेजेस बहुत सारे हुए तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, मैंने कहा मैं अपने व्लॉग के एंड में थैंक यू करूँगी। जो आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं और इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, सीरियसली इंसान मजबूर हो जाता है व्लॉग बनाने पे, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी मसरूफ हो गई थी और फिर मैं अपनी अम्मी के घर भी गई हुई थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का, तो इस वजह से बस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों के साथ स्पेंड किया करें तो बहुत माइंड फ्रेश होता है। और सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया, बस अब मैं ऊपर जा रही हूँ, व्लॉग को यहीं एंड करके रात का खाना खाएंगे। सो होप यू गाइस लाइक द व्लॉग, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।